सभी का बहुत स्वागत है श्री मंदिर के इस दीपावली स्पेशल वीडियो में। दीपावली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, साफ सफाई, रंगोली, पटाखे और दियों का त्योहार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये खूबसूरत त्योहार क्यों मनाते हैं? कभी सोचा है कि इस पावन पर्व के पीछे की वजह क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दीपावली त्योहार के बारे में विस्तार से। दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली, यानी दीपों की पंक्ति या कतारें। इसलिए इस पर्व पर दीप जलाने और संसार को जगमग करने का खास महत्व है। दीपावली। दीपावली का नाम सुनते ही मन में मिठाइयों, पटाखों, रंगोली आदि की यादें ताजा हो जाती हैं। इसे अगर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिवाली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली के पवित्र दिन पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। रोशनी का ये पर्व दिवाली सनातन धर्म का प्राचीन पर्व है। इस पर्व के साथ अनेक धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ये पर्व श्री राम के लंकापति रावण पर विजय हासिल करके और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, देवी सीता और अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस लौटे तो नगरवासियों ने घर घर दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी पौराणिक मान्यता अनुसार प्रतिवर्ष घर घर घी के दीपक जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। दीपावली स्वच्छता और प्रकाश का पर्व है। लोग अपने घरों की मरम्मत, रंग रोगन आदि का काम दिवाली से कई हफ्तों पहले ही शुरू कर देते हैं। लोग अपनी दुकानों और ऑफिसों की भी साफ सफाई और सजावट करते हैं। दिवाली आने से पहले ही सभी घर, मोहल्ले और बाजार सुंदर और सजे धजे नजर आते हैं। दिवाली आध्यात्मिक रूप से अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ दिवाली के दिन मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और इस दिन उनकी पूजा करने वाला आने वाले साल में मानसिक और शारीरिक दुखों से दूर रहकर सुख का आनंद उठाता है। वैसे देखा जाए तो दीपावली सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों द्वारा भी मनाई जाती है। जैन धर्म के लोग इसे महावीर की मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं और सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि दीपावली का त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे दीपावली पर की जाने वाली शारदा पूजन और लक्ष्मी पूजन की शास्त्रोक्त पूजा विधि के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ।